Students, let's continue our exercise 10.3. Question number 17, we have to start. So question number 17, let's read the question number 17 first. This is your, in the triangle ABC with vertices given as 2, 3, 4, -1 and 1, 2, then find the equation and the length of the altitude from the vertex A. We are given with our triangle ABC. This is your the given triangle ABC. This is A, this is B, and this is C with the given vertex as your 2, 3, 4, -1 and your 1, 2. Then we need to find the length as well as the equation of the altitude drawn from the vertex A. Let this is your intersecting at the point D with BC. हमें AD लाइन की लेंथ भी निकालनी है और साथ साथ में हम लोगों को इक्वेशन भी निकालनी है. सो लेट्स सी, दिस इज एक्चुअली द पॉइंट गिवन टू यू 2, 3 एंड दिस इज एल्टीट्यूड इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन BC. तो लेंथ निकालने के लिए तो वी हैव टू यूज योर फॉर्मूला AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन A² प्लस B² अंडर रूट, जो कि हम अभी 16 क्वेश्चन में भी यूज़ किया था हम लोगों ने. सो उसके लिए पहले आपको BC लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड द लाइन BC. सो इक्वेशन ऑफ लाइन BC आप सबको पता है कैन बी ऑब्टेन थ्रू योर 2-पॉइंट फॉर्म. B और C दो पॉइंट है, लाइन BC आपके दो पॉइंट से पास करती है. दैन इट्स वेरी इजी टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन BC बाई 2-पॉइंट फॉर्म गिवन बाई Y - Y1. दिस इज X1 Y1, X2 Y2. So my Y+1 is equal to Y2 - Y1 upon X2 - X1 of X - X1 given by Y+1 is equal to 3 upon -3 X - 4 given by Y+1 is equal to -X+4 implies X + Y - 3 is equal to 0. So equation of line BC is given by X + Y - 3 is equal to 0, and a point A is given to you. Then distance or the altitude AD is given by AX1. What is A? The coefficient of X is A, 1 multiplied by 2, this is 2, plus coefficient of Y is B, so B multiplied by X1, which is 3 minus 3 upon 1 + 1 under the root, and modulus is there. Cancel out, this is 2 upon root 2, which is your root 2. So the length of AD is your root 2. Now dear students, we want to find the equation of line AD. और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं आप लोगों के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और जो लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो किसी पॉइंट से पास करती है. Now point is already given to you as A and we want only the slope of line AD. और AD लाइन का स्लोप निकालना बड़ा ईजी है क्योंकि हमें BC लाइन की इक्वेशन पता है. तो BC लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, दैट इज गिवन बाई -1. स्लोप ऑफ BC लाइन इज गिवन बाय -A/B विच इज -1. देन स्लोप ऑफ AD विल बी योर +1, बिकॉज वेन आर टू परपेंडिकुलर लाइन्स आर देयर देन द स्लोप आर ऑलवेज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. एक अगर -1 है तो दूसरा +1 होगा. सो दिस इज स्लोप ऑफ AD इज योर 1. नाउ स्लोप वी हैव, पॉइंट वी हैव, इक्वेशन ऑफ लाइन AD इज गिवन बाय इक्वेशन इज Y - Y1. Y1 इज 3, स्लोप इज 1, X - X1. This is Y - 3 is equal to X - 2 implies X - Y+1 is equal to 0. So this is the equation of line AD. In this way, we can do the question number 17. Now let's do the last question of exercise 10.3, which is given as, if P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercepts on the axis are small a and small b, then show that 1/P² is equal to 1/A² + 1/B². Again, concept comes in which we have to find a distance, perpendicular distance from a point on the line.
सो एक बार फिर से यूज़ करते हैं इसी कंसेप्ट को जो हम लोगों ने अभी पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ किया है. दैट इज़ गिवन बाई फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन योर एक्सरसाइज 10.3. क्वेश्चन गिवन दैट पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन. दिस इज योर समथिंग लाइक दिस. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. देर इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए. सो दिस इज योर ए कॉमा जीरो एंड दिस इज द पॉइंट बी. सो द पॉइंट विल बी जीरो कॉमा बी एंड ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. देन इट्स लेंथ इज गिवन एज पी. सो वी हैव टू शो दैट 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b². चलिए क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन को. लेट्स सी दिस लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. तो इट्स वेरी इजी टू राइट डाउन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी. एक ए बी लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में वी कैन राइट इट वेरी इजिली एंड दिस इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज गिवन बाय एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. और सिंपली दिस कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल एज वेल. सो नाउ दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. एंड डियर स्टूडेंट्स दिस इज गिवन दैट फ्रॉम दिस लाइन टू द पॉइंट ओरिजन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज पी. सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला इन विच वी कैन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन एंड गिवन बाई ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट. सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू. सो दिस इज योर द पॉइंट इज 0, 0 एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस वन. देन द पी विल बी गिवन बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय ए विच इज 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 बाय बी विल बी 0 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वेयर अंडर द रूट एंड विद योर मॉडुलस एज वेल. सो वैल्यू ऑफ पी विल बी योर 1 अपॉन a² प्लस 1 अपॉन b² अंडर द रूट. टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स दिस विल बी योर लाइक दिस. सो बट इट विल बी देयर p² विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई a² प्लस 1 अपॉन b² क्रॉस मल्टीप्लाइड. दिस कंप्लीट टर्म विल बी गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड p² विल बी कम ऑन द राइट हैंड साइड. दिस इज 1 अपॉन a² प्लस 1 अपॉन b² विल बी इक्वल टू 1 अपॉन p² एंड दिस नीड टू बी प्रूव. यही बच्चों में प्रूव करना था. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 10.3. सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू रीड द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस क्वेश्चन स्टेट्स दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन गिवन लाइन k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस k स्क्वेयर इंटू वाई प्लस k स्क्वेयर माइनस 7 k प्लस 6 इज योर पैरेलल टू एक्सिस. लेट मी राइट डाउन द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन. लेट मी वी आर डूइंग फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 10.3. इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन टू यू. नंबर 1 क्वेश्चन फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज. दिस इज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. दिस इज के माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वेयर इंटू वाई एंड दैट इज योर प्लस के स्क्वेयर माइनस 7 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज अ गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन. नो डाउट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 and we want to find the values of k for the first condition. First condition states that the line should be parallel to x-axis. My dear students, have you remember the line which is parallel to x-axis? What is the equation of that line? It is always given by y is equal to a. Any line which is your parallel to x-axis is given by y is equal to a, where a is any arbitrary constant. So let's see, in this equation of line which is parallel to x-axis, there is no coefficient of x present. Here,
it can be written as 0 comma x plus y is equal to a. This equation can also be represented by like this. So it implies whenever any line is parallel to x axis, then the coefficient of x in that equation should always be equal to 0. So if it is given that this line is parallel to x axis, means the coefficient of x should be 0, implies that for the first part k minus 3 should be equal to 0. This will give you k is equal to 3. So value of k should be 3 in case if this line is your parallel to x axis. Now second part states that it should be your parallel to y axis. Again remember the equation of line which is your parallel to y axis, and this is always given by x is equal to a or b, again where a is any arbitrary constant. So x is equal to a can also be written as or x plus 0 into y is equal to a. So the coefficient of y in that equation which is parallel to y axis should be equal to 0. So dear students, agar ye line agar parallel to y axis hai, so what it means, the coefficient of y should be equal to 0, implies minus of 4 minus k square is equal to 0, implies 4 minus k square is equal to 0, k square is equal to 4, and the value of k is your plus minus 2. So k should be your plus as well as minus 2 in case whenever this line is your parallel to y axis. And the last question, last part of this question is your, if line is passing through the origin. बच्चों ये तो मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर ये line origin से pass करे तो क्या होगा. Yes, बिल्कुल ठीक बात. अगर कोई भी line origin से pass करती है, it means 0, 0 point will satisfy the equation of this line. इसका मतलब x की value 0, y की value 0 हम यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर, मीन्स दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन. सो लेट मी पुट दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, रिमेनिंग पार्ट विल बी योर k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ मिड स्प्लिट द मिडिल टर्म, दिस इज योर k स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, k कॉमन k माइनस 6 माइनस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, implies k minus 1 and k minus 6 is equal to 0 will give you k is equal to 1 or 6. So the value of k may be 1 or 6. So this was the question number first from your miscellaneous exercise. Dear students, question number second is your homework, because this is a question in which we have to reduce the given general form of the equation of a line into normal form. Already we have discussed in your last to last videos. So now let's do the question number 3. Question number 3 is also a very easy question in which we have to find the equation of lines which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and minus 6 respectively. So let me illustrate this question just verbally. Let's see how can we do this question. मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट यू कैन डू बाई योर सेल्फ. दिस इज गिवन दैट वी वॉन्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स विच इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन सच अ वे दैट दैट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंटरसेप्ट आर 1 एंड माइनस 6. लेट this line is intersecting the x-axis at 8, 0 and intersecting at y-axis at 0, b. This is number 3 question. So intercepts are a and b. Now these are such like that the sum is given as your sum of this is equal to 1 and product is your minus 6. So we have the two equations in the form of a and b. You have to just simplify these equations and we'll get the values of a and b. और जैसे ही आप बच्चों आपके पास a और b की value आएगी, आपको पता है कोई भी line अगर intercepts create करती है x axis और y axis के साथ, then its equation is given by x by a plus y by b is equal to 1.
सो जैसे ही आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने से ए और बी की वैल्यू मिलेगी, यू हैव टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ ए एज वेल एज बी इन दिस इक्वेशन एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. चलिए लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज अगेन योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल एज योर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन है नंबर 6. बच्चों अगर आपको जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर इन केस यू फेस सम प्रॉब्लम विद दीज क्वेश्चंस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई नंबर 9466250024 एंड यू कैन व्हाट्सएप मी और कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू योर वीडियो कॉलिंग और जस्ट कॉल. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस drawn through the point of intersection of the lines x minus 7y plus 5 is equal to 0 and 3x plus y is equal to 0. मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना चाहिए. वेरी सिंपल क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन वी वॉन्ट टू फाइंड दैट लाइन इज पैरल टू वाई एक्सिस. कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरल होती है इन दैट केस द स्लोप ऑफ दैट लाइन is always given by 1/0. Means कैसे, देखिए जरा मैं आपको डायग्राम के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर एंड दिस इज योर समथिंग लाइक दिस. वी वॉन्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. लेट दिस इज योर द लाइन which we want to find. This is the required line and this is parallel to y-axis. So no doubt this is perpendicular on your x-axis, making angle of 90 degree with the x-axis. So slope of this line is definitely tangent 90, which is not defined or can be written as 1/0. So the slope of this line is 1/0. Now we need only the points through which this line is passing. And this is given that this line is your passing through the intersection of the lines x minus 7y plus 5 and this. दो लाइन के इंटरसेक्शन से ये लाइन पास करती है लाइक दिस. द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज गिवन एज x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज योर 3x प्लस y इज इक्वल टू 0. सो डियर स्टूडेंट्स, we can obtain this point through solving the given two equation of lines. दोनों equation of line को solve करेंगे by elimination method कर सकते हैं, substitution method से solve कर सकते हैं, या फिर cross multiplication method से solve कर सकते हैं. और solve करने के बाद जो भी आपको x और y की value मिलेगी that is the this point, point A. So the required line now passing through the point A and having slope as your 1/0. Now you can apply your Poynt's law form and get the equation of line. So I think आप लोगों को खुद करना चाहिए. चलिए let's see the question number 7 now. Let me do this question. The complete solution I will do. Find the equation of a line which should be drawn perpendicular to the line. हमें सेम पूरे चैप्टर के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड आउट करनी है विद द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस. हेयर ऑल्सो वी वॉन्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इट शुड बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन. एक लाइन के परपेंडिकुलर है एंड इट इज परपेंडिकुलर वेयर द इट मीट्स द वाई एक्सिस. लेकिन यहाँ जो परपेंडिकुलर आपको लाइन दी हुई है, जो आपको रिक्वायर्ड लाइन है, और ये परपेंडिकुलर किसी गिवन लाइन पर, वो परपेंडिकुलर उस पॉइंट पर है जहाँ पर ये गिवन लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है. डायग्राम से आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो सकता है स्टूडेंट्स. लेट मी डू द क्वेश्चन नंबर नाउ 7. दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन एज एक्स बाई 4 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 1. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से आपको ये तो क्लियर है कि ये जो लाइन इक्वेशन गिवन है, आपको गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, दैट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 4 एंड इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट 6. सो दिस इज योर लेट दिस इज 4,
1, 2, 3, 4, and this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the given equation of line. ये आपकी equation of line है जो आपको given है. This is 4, 0 and this is your 0, 6. Now important thing in this question is that one line is there which is perpendicular to this line and perpendicular at that point where this given line is intersecting the y-axis. ये क्वेश्चन ये कहता है कि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, लेकिन वो लाइन परपेंडिकुलर उस पॉइंट पर है जिस पॉइंट पर ये गिवन लाइन वाई एक्सिस को कट करती है. वाई एक्सिस को कट कहाँ कर रही है? 0, 6 पर. सो हेयर ए परपेंडिकुलर लाइन इज गिवन टू यू. लेट दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी. सॉरी. सो वी वॉन्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी. We want to find the line AC. Or AC, which is absolutely clear given that this line AC is perpendicular on line AB. बहुत बार क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों इस तरह के जिसमें एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और वो किसी पॉइंट से पास करती है. सो AC जो लाइन की इक्वेशन आप निकालना चाहते हैं वो पॉइंट A से तो पास करती है, और क्योंकि AC AB पर परपेंडिकुलर है तो AC का स्लोप निकालना भी बड़ा इजी है. और स्लोप कैसे निकालते हैं? पहले AB का स्लोप निकालेंगे, उसके बाद आप स्लोप निकल जाएगा आपका AC का. सो लेट मी फाइंड स्लोप ऑफ लाइन AC. सॉरी लाइन AB इज गिवन बाय दिस इज 6 - 0/0 - 4 विच इज 6/-4. दिस इज योर -3/2. So slope of line AC will be or given by 2/3, because AC and AB both are perpendicular to each other. Whenever both lines are perpendicular to each other, it implies their slope will be negative reciprocal of each other. So now we got the slope, we have the point as 0, 6. Then equation of line AC is given by y - y1 is equal to slope of x - x1. So this is equal to 3y - 18 is equal to 2x. Implies 2x - 3y + 18 is equal to 0 is the required equation of the line AC. So dear students, now we have completed 7 questions from your miscellaneous exercise as well. Hope you understand the concepts very well. So thank you and have a nice day.